क्लास 7 के केमिस्ट्री क्लास में आप लोग का स्वागत है। चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक। तो इसमें दो पेज आप लोग को पहले ही भेजा जा चुका है, तीसरे पेज में चलते हैं। तो टॉपिक है सेलेक्टिव ब्रीडिंग, चाइनीज प्रसंस्करण, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट सीप फॉर ऑब्टेनिंग बेस्ट क्वालिटी इन देयर ऑफ स्प्रिंग फॉर ऑब्टेनिंग वूल इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। इसका मतलब है कि भेड़ के पेरेंट्स को चुन करके, अच्छे क्वालिटी के भेड़ों को चुन करके उससे उन्नत किस्म का बच्चा प्राप्त कर लेना, इससे कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का क्या क्या फायदा है? इट इज हेल्पफुल फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ वूल। ये अधिक से अधिक ऊन के उत्पादन में सहायता करता है। दूसरा है इट ऑल्सो हेल्प्स टू ऑब्टेन बेस्ट क्वालिटी ऑफ ऊन। ये अच्छे किस्म के ऊन के उत्पादन में भी सहायता करता है। तो तरह तरह के भेड़ का नस्ल, उत्तम क्वालिटी, जैसे कश्मीरी भेड़, कश्मीरी बकरी है, तो बकरी में भी होता है प्रसंस्करण सेलेक्टिव ब्रीडिंग, इसी तरह से भेड़ में भी होता है। अब है स्टेप इन प्रोडक्शन ऑफ ऊन। ऊन के प्रोडक्शन में, ऊन के उत्पादन में कौन कौन सा स्टेप आता है? तो इसमें बहुत सारे स्टेप आते हैं। आइए सबसे पहला स्टेप जानते हैं, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप। रेयरिंग क्या होता है? रेयरिंग मतलब होता है पालना या देखभाल करना। द प्रोसेस ऑफ लुक आफ्टर द सीप बाय प्रोवाइडिंग देम फीड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर इज कॉल्ड रेयरिंग। रेयरिंग इसमें है कि जब भेड़ को खिला पिला करके, इसके बाद खान पान करने के साथ साथ इसे छत दिया जाए, रहने के लिए स्थान दिया जाए, और इसका स्वास्थ्य संबंधी जांच होता रहे, किसी तरह की बीमारी ना हो जाए इसमें, इस सब का ख्याल रखा जाए, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेयरिंग। इसे पालन पोषण या देखभाल करना कहते हैं। अब भेड़ खाता क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। तो भेड़ जो है हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस का अर्थ समझते होंगे शाकाहारी। इस हिसाब से भेड़ का भोजन है मुख्य रूप से घास खाता है, कॉर्न, मकई, ज्वार, पल्सेस दाल खाता है, ऑयल केक, खल्ली जिसे आप कहते हैं, ये सभी इसका मुख्य भोजन है। भेड़ को, भेड़ का दूसरा यहाँ पे प्रोसेस है इसी में, ब्रीडिंग प्रोसेस। ब्रीडिंग में क्या होता है? तो भेड़ के किस्म, अच्छे किस्म को बढ़ाना। तो जैसे यहाँ पे सेलेक्टिव ब्रीडिंग था, उसी तरह से ब्रीडिंग प्रोसेस भी है, मिलता जुलता ही है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी ऑफ सीप। सीप का मतलब है यहाँ पे चाइल्ड, अच्छे क्वालिटी का चाइल्ड सीप प्राप्त करना फ्रॉम सेलेक्टिव पेरेंट, उसके चुने हुए पेरेंट सीप इज कॉल्ड ब्रीडिंग प्रोसेस। इसको कहते हैं संकरण विधि। ठीक है, यहाँ तक आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से सुन लिए होंगे, इसको समझेंगे बार बार। मैं इसका फोटो खींच करके आप लोग को भेज देता हूँ और वीडियो भी आप लोग देखते रहेंगे। धन्यवाद।